ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड। क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा, कह रहा है इस ट्रायंगल की दो साइडों को ले डायमीटर मान के हमने दो सर्कल बनाए। तो मान लो ए बी की एक साइड है, इसको हमने डायमीटर माना, डायमीटर मान के हमने ऐसे एक सर्कल बना लिया डायमीटर। ये ए बी को डायमीटर मान के इमेजिन करो, ये ऐसे हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। दूसरी साइड ए सी को भी डायमीटर मान के एक और सर्कल बना दिया, ये बना दिया भाई, बना दो, इसको भी मान के हमने एक ये सर्कल बना दिया। तो हमने ये दो सर्कल बना दिए ए बी और ए सी को डायमीटर मान के। क्वेश्चन ये कह रहा है हमें जो प्रूव करना है कि जो इन दोनों सर्कलों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा ना डी, ये तीसरी साइड यानी कि ये बी सी पे पड़े, ये हमें प्रूव करना है भाई। पहली साइड को डायमीटर मान के हमने ये सर्कल बना दिया पिंक, दूसरी साइड ए सी को डायमीटर मान के हमने येलो वाला सर्कल बना दिया। तो ये कह रहा है तीसरी साइड पे इन दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन बने, यानी कि अगर ये इंटरसेक्शन को मैं डी मान लूं तो ये डी इस तीसरी साइड बी सी पे पड़े, ये कह रहा है, ठीक है। करते हैं प्रूफ। देखो इसको प्रूफ करने का तरीका ये है, हमें ये पता है कॉन्सेप्ट कि जो भी सर्कल है वो सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनाता है वो 90 डिग्री होता है सर्कमफ्रेंस के साथ। सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो सर्कल के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल में। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से प्रूव हो जाएगा, ये हमारा डायमीटर है तो इसका मतलब ये एंगल, ये जो मैं ग्रीन बना रहा हूँ, ये एंगल यहाँ जो ये डी पे बन रहा है ये 90 डिग्री होगा भाई, सेमी सर्कल में बन रहा है कि नहीं। सिमिलरली येलो वाले सर्कल का भी ये डायमीटर होगा ऐसे, तो उसका भी डायमीटर में जो एंगल बनेगा यहाँ से, ये डायमीटर है ना, तो इसमें भी ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री होगा। और 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मतलब ये बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि डी इस सी पे है और हैंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया बताओ, नहीं आया तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आया तुम लोगों से। चलो एक बार और रिपीट करता हूँ, सुनो सुनो सुनो, कॉन्सेप्ट ये है कि सर्कल है, ये पॉइंट ओ है और ये डायमीटर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब सेमी सर्कल हो गया ना ऊपर वाला, सेमी सर्कल के ऊपर अंदर जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए आपको। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है डायमीटर के साथ वो 90 डिग्री होता है, डायमीटर को कॉर्ड बांध के जब एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं कि भाई ये हमारी डायमीटर है, ये जो मैं बना रहा हूँ AD, तो इसके साथ अगर मैं एंगल बनाऊँ यहाँ पर सेमी इस पे, ये ऑरेंज से बना रहा हूँ ना, ये ऑरेंज से बनाया, तो ये एंगल है 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी तो डायमीटर है AC, तो इसके अंदर भी एक एंगल बनाऊँ मैं, अगर ये वाला ऐसे ये ब्लू बना रहा हूँ ना, ये सर्कमफ्रेंस पे ऐसे येल्लो पे ये बना रहा हूँ एंगल, तो ये वाला एंगल भी डायमीटर के साथ ये 90 हुआ। तो ये 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है ना 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये BDC एक स्ट्रेट लाइन है, और जब BDC स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये D जो है ये BC पे ही है, क्योंकि D एंगल ही 180 डिग्री हो रहा है ना, यहाँ से लिया D एंगल, ADB और ADC ये दोनों मिला के 180 डिग्री हो गए, तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पे है D। तो ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है, पूछ लेना दोबारा अगर नहीं समझ आए तो इसे।